हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th एंड 10th के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत ग्रामर में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, इसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। प्रीपोजिशन ये पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रीपोजिशन, जो कि अक्सर किसी न किसी सेंटेंस में ये लगे रहते हैं। पहले हम प्रीपोजिशन का डेफिनेशन यानी परिभाषा जानते हैं। प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन डबल एंड फ्रेज प्रीपोजिशन। तो अब हम देखते हैं कि सिंपल के अंतर्गत कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे इन, एट, ऑन, ऑफ, विथ, फ्रॉम, फॉर, ऑफ, टू, by, under, above, over, since, roots, down, अगेंस्ट के बाद है कि थ्रूज डाउन अगेंस्ट डिसाइड, फिर है डिसाइड से, उसके बाद आफ्टर, बिहाइंड, बिटवीन, एमॉन्ग। ये कुछ प्रीपोजिशन जो हम देख रहे हैं उनको हम सिंपल श्रेणी में लेते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। अब इसके ऊपर फिर से पढ़ लीजिए, इन, एट, ऑन, ऑफ, विथ, फ्रॉम, फॉर, ऑफ, टू, विथ, बाय, अंडर, एवर, ओवर, सिंस, टू, डाउन, अगेंस्ट, बिसाइड, बिसाइड्स, आफ्टर, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग। ये इतने सारे प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और डबल में इसके अंतर्गत आ जाएगा जैसे इनटू, अपॉन,
ब्रीदिंग ऑफ इनटू ये डबल के अंदर का जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन एंड ऑन का प्रयोग। तो लेते हैं इन और एंड, इन का कहां प्रयोग करना है और एंड का प्रयोग कहां करना है। तो सबसे पहले इन का प्रयोग उस जगह पर करते हैं जब किसी बड़े नगर स्थान शहर का वर्णन किया जाए, यानी किसी बड़े नगर शहर देश इन सब का वर्णन किया जा रहा है तब वहां पर इन का प्रयोग करते हैं। अरे वहीं पर छोटे नगर शहर इन सब का वर्णन किया जा रहा है तब वहां पर ऐड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यंगर ब्रदर लिव्ड इन मुंबई, यंगर ब्रदर लिव्ड इन मुंबई। तो चूंकि मुंबई बड़ा शहर है इसलिए बड़े शहर नगर देश वाले हम इन का प्रयोग करते हैं। तो हिज यंगर ब्रदर लिव्ड इन मुंबई। अजबकि जब छोटे चीजों का वर्णन किया जाए, छोटा टाउन हो तो वहां के लिए एड का प्रयोग करते हैं। जैसे राम लिव्स एट गंगापुर, राम लिव्स एट गंगापुर। तो यहाँ पे गंगापुर छोटा सा टाउन एरिया है तो इसके पहले हम एड का प्रयोग किया गया। तो ये तो हमने, अब दूसरी जगह हम इनका प्रयोग वहां करते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर स्थित हो। जैसे कमरे के अंदर, पानी के अंदर, घर में, घर के अंदर, तो ऐसे चीजों के लिए इनका प्रयोग वहां किया जाता है। जैसे द वॉइस ऑफ द वॉइस ऑफ ट्री इन द फील्ड, यानी लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि हम इनका प्रयोग किया गया द वॉइस ऑफ ट्री इन द फील्ड, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो अंदर की तरफ होना चाहिए जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर स्थित हो तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। जबकि ऐड का प्रयोग उस जगह पर करते हैं जब कोई दूसरी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पैरेलल समानांतर मार्ग पर स्थित हो तो वहां पर ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे A dog is standing at the gate. A dog is standing at the gate. कुत्ता फाटक पर खड़ा है तो फाटक के समानांतर दरवाजे पर वो खड़ा है, जिसके कारण यहाँ पर एड का प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं द ट्रेन
स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर आई, या ट्रेन एक अड्डा स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर आई तो यहाँ पर एड का प्रयोग किया गया। आइए इसी तरह एक का प्रयोग हम वहां भी करते हैं जब कोई कार्य दिन के किसी पार्ट में, चाहे सुबह हो या शाम हो, रात हो, या कोई भी कार्य सप्ताह में हो रहा हो, महीने में हो रहा हो, या किसी वर्ष में घटित हुआ, तो वहां के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया वाज फ्रीड, इंडिया वाज फ्रीड इन 1947, भारत को 1947 में आजादी मिली। यहां देखिए इनका प्रयोग किया गया 1947 में आजादी मिली, ये वर्ष बता रहा है जिसके कारण हम यहाँ इनका प्रयोग किए हैं। ये कोई सप्ताह में घटित हो रहा है, जैसे दे आर आर 7 days इन अ वीक, कहने से एग्जाम्पल के लिए देर आर 7 days इन अ वीक, मतलब ये हुआ कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, कुछ पोजिशन आज हमने बता दिया, मैं आशा करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे और इस पूरे बोर्ड का एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि उस अक्षर को अच्छे से आप देख सकें और समझ सकें। ठीक है, थैंक यू।